बांसगांव थाने की पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वालों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बांसगांव थाने की पुलिस ने 5 अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिनकी पहचान प्रजापति पुत्र रामविलास उर्फ पहुना निवासी ग्राम गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा मनीष यादव पुत्र पन्नेलाल यादव निवासी गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रिंस यादव पुत्र नन्हेलाल यादव निवासी ग्राम गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, चौथा उदयभान यादव पुत्र इंद्रासन यादव निवासी नैपुरा थाना खजनी जनपद गोरखपुर, पांचवा सचिन यादव पुत्र पन्नेलाल यादव निवासी ग्राम गजारी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्तों ने सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो को वायरल कर दिया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र बांसगांव में वर्ष 2021 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और इस दुष्कर्म में कई लोग शामिल थे। साथ ही साथ उन लोगों ने उसका वीडियो बनाया था, जिसे वायरल कर दिया था। इस आधार पर थाना बांसगांव में मुकदमा पंजीकृत हुआ, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय प्रेषित किया। इस जघन्य घटना को देखते हुए इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया और माननीय जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरांत घटना में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग थाना बांसगांव में पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय में इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा गैंगस्टर एक्ट की अन्य धाराओं के अंतर्गत इनके विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्यवाही संभव है वो सभी विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए।